भविष्य में सरकार जो होगी वो ओवैसी साहब के मोर्चे की सरकार होगी, बाकी किसी की नहीं होगी। आज इस मेरठ की सरजमीन जो क्रांतिकारी सरजमीन है, इससे ये मैसेज इंशाल्लाह पूरे उत्तर प्रदेश में जाएगा, एक सियासी हलचल मच जाएगी, जिससे ये मैसेज जाएगा कि आने वाली जो सरकार होगी वो ओवैसी साहब के गठबंधन की होगी। जिसकी भी बात मैं आपको बताता चलूं, ये जो आप ग्राउंड देख रहे हैं ये सारा भी खाली रहे कोई दिक्कत नहीं, जब बैरिस्टर साहब के कदमों की धमक पहुंचेगी तो ग्राउंड के बाहर तक पब्लिक होगी, आप देख लेना, ये वादा है मेरा। आप ओवैसी को क्यों वोट दे रहे हैं? ओवैसी साहब को क्यों वोट दे रहे हैं? उनका फ्यूचर मैं बताऊंगा इस चीज को। अच्छा, बताऊं किस लिए दे रहा हूँ। सन 1990 से आज तक समाजवादी को वोट दिया, लेकिन क्या दिया? सिर्फ छोटे छोटे टुकड़े। अगर नौकरी देते तो आज मुसलमान समाजवादी के साथ होता। मैं पूछना चाहता हूँ, 7% जो मुसलमान को, 7% यादव वोट देता है, सरकार बनाता है, लेकिन 20% नहीं है हम 27% है। 2011 में जनगणना हुई थी, आप 2021 में करा के देख लो, 27% बैठते हैं हम। अगर जनगणना होती तो 27% है क्या? 27% वालों को जब वोट देते हैं क्या उनका नौकरी में हिस्सा नहीं होना चाहिए? ओवैसी साहब को कहा जाता है बीजेपी की बी टीम है तो। हाँ, ओवैसी साहब को बीजेपी की बी टीम कहा जाता है, लेकिन ओवैसी साहब इतनी बड़ी ताकत है, हम बी टीम है। हाँ, ये सच है कि हम बी टीम है, क्योंकि एक नंबर पार्टी आज के टाइम में, क्योंकि वो वर्तमान सत्ता में है। अगर सबसे मजबूत विपक्ष अगर कोई है तो वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है, इसलिए हम इल्जाम। देखो, हमारे भाई ने वैसे इसका खुलासा कर दिया, नाजिम भाई ने, लेकिन ये ओवैसी साहब के ऊपर इल्जाम है। इल्जाम कैसा है? अगर आपसे ये सवाल किया जाए, क्योंकि आप कह रहे हैं कि लोग कहते हैं कि ओवैसी साहब बीजेपी की बी टीम है, तो आज तक इसे कोई साबित नहीं कर पाया और नहीं कर पाएगा भविष्य में। सारे मुस्लिम तो अखिलेश की तरफ जा रहे हैं, ऐसा दावा कर रहे हैं। ये आप लोगों को भूल है, ये आप लोगों को भूल है। ये जो लोग दावा कर रहे हैं वो वक्त चला गया, क्योंकि कुछ सपा के पास में कुछ तीतर है ऐसे जो इस चीज का दावा कर रहे हैं। तीतर समझते हैं ना आप? तीतर ऐसे होते हैं कि जब हमारे तौ है, उन्होंने एक तीतर पाल रखा। मुस्लिम सपा की तरफ नहीं है? नहीं नहीं नहीं, 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 ये भूल है। मुस्लिम सिर्फ और सिर्फ अपनी हिस्सेदारी लेकर आपके ओवैसी साहब के साथ में है। तमाम मुस्लिम उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे हिंदुस्तान का मुस्लिम ओवैसी साहब के साथ है, और इंशाल्लाह बीजेपी को उखाड़ फेंकने का काम ओवैसी साहब करेंगे। बड़े मुस्लिम नेता वो तो कहते हैं समाजवादी पार्टी, एक बात समझ गए हैं। देखिए, समाजवादी का मसला क्या है, मैं तुम्हें बताता चलूं। समाजवादी इस वक्त धोखे में है। मेरे दादा ने एक बात कही है कि भैया, अपना अपना होता है, अपना मारे छाए में डाले और गैर मारे धूम में डाले। तो भैया, अपने को देखो, अपनी ढपड़ी अपना राग, जब चाहेंगे जब बजाएंगे, जब चाहेंगे ठाके रख देंगे। हम तो मोदी सरकार में जब मुजफ्फरनगर दंगे हुए थे उनको याद करो। हाँ, याद है हमें, मेरे याद अब हम, वो याद है हमें। अब हम उन दलाल सरकार को, मैं मोहम्मद नाजिम मेरठ से, हमारे सब समाजवादी ने हमारे साथ जो धोखा किया वो सब याद है। समाजवादी ने मुजफ्फरनगर का दंगा कराया वो हमारे याद है। समाजवादी ने मसूरी के अंदर कत्लेआम करवाया वो हमारे याद है। समाजवादी ने कोसी कला के अंदर कत्लेआम करवाया वो हमारे याद है। समाजवादी ने SP जाऊल हक को मरवाया बुलंदशहर में वो हमारे याद है। अखलाक को मरवाया दादरी के अंदर वो हमारे याद है। और अखिलेश यादव, याद रख लेना, इंशाल्लाह जैसे तुमने झूठा वादा किया था ना मुस्लिमों के साथ कि मैं 18% आरक्षण दूंगा, तुमने वो भी नहीं दिया। और हमारे बड़े जो आजम खान है, जो आज जेल के अंदर है, उन्होंने अखिलेश को समझाया, बोला आगरे के अंदर, तो उन्हें जेल के अंदर किसने डलवाया? अखिलेश ने डलवाया। और याद रखना, इंशाल्लाह हमारे जो हैं आजम खान साहब वो जेल से बाहर आएंगे और इंशाल्लाह AIMM का झंडा थामेंगे। और इसी तरीके से हमारे अतीक साहब हैं और जितने भी बड़े लोग हैं वो तमाम के तमाम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और एक चीज़ याद रख लेना, हमारा मुस्लिम और हमारा गैर मुस्लिम भाई, यानी दोनों हिंदू मुस्लिम एकता का यहाँ पर सम्मेलन चल रहा है। अखिलेश अब ख्वाब गफलत के अंदर हैं, वो सोए हुए हैं, वो ये सोच रहे हैं कि मुसलमान तेरे साथ, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा 90% मुस्लिम वो जाग चुका है, वो ओवैसी साहब के साथ है, क्योंकि हम उनके कार्यकर्ता है, मेहनत कर रहे हैं उनके लिए।
तो वो अपने जो नींद में सोए हुए हैं उसे भूल जाए और जितनी पार्टियों को चाहे मिला लें, क्योंकि बीजेपी को हमने हराने का कोई ठेका नहीं लिया है। दो शासन की बात की जाए, अखिलेश को और मायावती का, कौन सा शासन आपको अच्छा लगता है? हमें शासन जो अच्छा लगा था आपसे पहले मायावती जी का था। अखिलेश का सबसे गंदा शासन रहा है, वहाँ पर गुंडागर्दी सबसे ज्यादा होती है और लोगों को मरवाने की सबसे ज्यादा साजिश होती है। अखिलेश सरकार में तो मुस्लिम समाज के अधिकारों की बात की जाती है। कोई अधिकार की बात नहीं, बात तो मैं भी करता हूँ, बात मैं भी करता हूँ कि मैं पूरे वर्ल्ड को सुधार दूंगा। बात कहने से कुछ नहीं होता। एक चीज और है, हमारे आजम खान साहब ने एक यूनिवर्सिटी बनाई थी, उसको जो सबसे ज्यादा जो अहम रोल है उसे बंद करवाने का वो अखिलेश साहब का है। और अखिलेश साहब ने यहाँ अपने वालिद के नाम पे एक यूनिवर्सिटी बनाई थी मेरठ के अंदर, उसके क्या हुआ जब उस पर आपत्ति आकर आने लगी तो उन्होंने उसका नाम बदल दिया, यानी वो जाकर के तो बैठ रहे हैं। आपके हितेशी नहीं है? नहीं, हितेशी नहीं है, हमारे विरोधी हैं, हमारे विरोधी हैं, हमारे हितेशी नहीं है। हम खुला ऐलान करते हैं तो अखिलेश यादव को वोट नहीं दे, नहीं देंगे, ना देंगे, ना देने देंगे। अखिलेश की तो हवा चल रही है। हवा चलती रहती है, हवा चलती रहती है, हवा के अंदर पतंग उड़ती है, साइकिल नहीं उड़ती, साइकिल तो गिर जाएगी, उड़ती है। देखा कभी आपने पतंग उड़ेगी? पतंग। लेकिन एक बार बताइए ओवैसी साहब को क्यों वोट दोगे? ओवैसी साहब को यूँ वोट देंगे कि सदन के अंदर हमारी बात करते हैं, हमारे हक की बात करेंगे, आपके हक की बात करेंगे। अगर आपको इज्जत सबसे ज्यादा कोई देता है, मीडिया बंधुओं को इज्जत देता है, तो हमारे सदर देते हैं। अखिलेश भी जब आपने ये पूछा था कि ओवैसी से गठबंधन कहोगे, तो आपने आपकी मीडिया के माध्यम से और मीडिया के लोगों को ये कह दिया था कि ये छोटे रिपोर्टर हैं, इनसे को हम कोई जवाब नहीं करेंगे। जब वो सरकार आपकी इज्जत नहीं कर रही तो हमारी इज्जत कैसे करेगी? ओवैसी साहब से क्यों गठबंधन नहीं किया अखिलेश? अखिलेश आज जानते हैं कि ओवैसी बड़ी पार्टी है, उन्होंने तो सभी छोटी पार्टियों से गठबंधन कराया और हमारे सदर को वो वजूद में मानते हैं, इसलिए ही नहीं कर रहे वो गठबंधन। हम हमारे पास 7 विधायक हैं और 2 MP हैं, इंशाल्लाह वो शेर हैं, गीदड़ नहीं पाले हमने। जब वो बगैर विधायक बगैर MP वाली पार्टी से गठबंधन कर सकते हैं, जो जाट है हमारे ओवैसी साहब, अगर यहाँ 100 सीटों पर लड़ते हैं तो इंशाल्लाह हमारा दावा है कि 60 से 65 सीटें निकालने की हम क्षमता रखते हैं। बिहार में मायावती के साथ ओवैसी साहब ने भी चुनाव हुए गठबंधन किया, यहाँ भी कोई हम ना मायावती से गठबंधन करेंगे ना बीजेपी से गठबंधन करेंगे। इंशाल्लाह 70 सीटें निकालने के बाद जिसे जरूरत पड़ेगी वो हमारे पास आएगा, इतना दम रखते हैं हम लोग। मन बना लिया ओवैसी? मन बना लिया, मन बना लिया, बिल्कुल।